अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अलमास किचन मेन्यू .com। मैं हूँ अलमास और आप देख रहे हैं अलमास किचन मेन्यू यूट्यूब चैनल। आज अलमास किचन मेन्यू का कोई मेन्यू नहीं है क्योंकि आज ईद का थर्ड डे है और मैं गई हूँ बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट में जो आजकल वायरल है। तो एंड तक मेरी वीडियो वॉच करें और मैं आप लोगों को उस रेस्टोरेंट के रिव्यू भी दूंगी। तो चले जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग को। आप तो पहुंच गई हूं मैं अपनी मंजिल पे। मुझे आना था चूलर रेस्टोरेंट पे। व्लॉग तो आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि बहुत ही जबरदस्त रेस्टोरेंट है, यहाँ के खाने भी बहुत ही डिलीशियस डिशेस हैं। तो बस अब ऑर्डर करने लगे हैं, ऑर्डर करके दिखाते हैं कि हम लोगों ने क्या डील मंगवाई है, क्या ऑर्डर किया है, और उसके बाद मैं उसके खाने के रिव्यू भी दूंगी आप लोगों के साथ कि खाना कैसा था। तो चलिए जी पहले ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर के लिए हमने मेन्यू कार्ड मंगवा लिया है और इसमें चेक कर रहे हैं कि हमें क्या क्या खाना है, क्या क्या डिशेस मंगवानी है। तो चलिए जी जब तक ऑर्डर करते हैं, जब तक मैं आप लोगों को एड्रेस बता देती हूँ। ये डिस्को बेकरी से थोड़ा सा आगे जाके, अगर डिस्को बेकरी से जा रहे हैं तो सीधे हाथ पे पड़ेगा ये। बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है ये चूल्हा रेस्टोरेंट, तो मैं एड्रेस मेंशन कर देती हूँ। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी से थोड़ा सा आगे जाके मेन रोड पे ही है ये चूल्हा रेस्टोरेंट, और यहाँ की सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं और यहाँ के डिशेस भी बहुत अच्छी हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद आई। हमने मंगवाया था बारबेक्यू प्लेटर, साथ में हमने मंगवाया था जिंगर बर्गर, बच्चों के लिए सैंडविच। ईद होने की वजह से यहाँ पे रश बहुत था और इनकी सर्विसेज भी बहुत स्लो थी। ऑर्डर देने के 45 मिनट्स के बाद हमारा डिनर हमारे सामने था, लेकिन जो खाने के जायके की बात है तो खाना वाकई में डिलीशियस था। इनकी जो कढ़ाई, इनका चरगा और इनकी बूटियाँ, हमने मंगवाई थी देसी प्लेटर बहुत जायकेदार था। इसके साथ जो राइस आए थे वो भी बहुत मज़े की थी। बस सर्विसेज जो इनकी थी वो मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन होता है खैर जब ईद के दिन सब निकले हुए होते हैं डिनर करने, इंजॉय करने, तो फिर ईद के दिनों में रेस्टोरेंटों का यही हाल होता है कि सर्विसेज इनकी जो है वो थोड़ी सी बैड हो जाती है। और कोई बात नहीं, डिनर अच्छा था, रेस्टोरेंट अच्छा है इनका, तो ज़रूर जाइएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारबेक्यू प्लेटर भी है, देसी प्लेटर भी है, अफ़गानी प्लेटर भी है, बहुत ही रिजनेबल प्राइस भी है। बिल में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इतने सारे डिशेस के जो बिल बने हैं, आगे चल के मैं आप लोगों को वो बिल भी दिखाऊंगी कि बिल हमारा कितना बना है। खैर हम लोगों ने खूब इंजॉय किया अपने डिनर के साथ, क्योंकि डिनर बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही जायकेदार था। तो मैंने तो खैर बहुत मज़े किए हैं। और अगर आप लोग भी चूल्हा रेस्टोरेंट गए हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वहाँ की डिशेस कैसी लगी हैं। तो चलें जी इसी के साथ इजाज़त दें, नेक्स्ट रिव्यू लेके जल्द हाजिर होंगी। और ये रहा हमारा बिल जो हमने ऑर्डर किया था, उसके टोटल बिल ये बना है। बिल भी मैंने आप लोगों के सामने रख दिया है, ये बिल बना है। तो एक बार ज़रूर जाएं चूल्हा रेस्टोरेंट और इन्जॉय करें अपनी लाइफ को। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट कंटेंट में मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय बाय।